वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए एमएससी फाइनल फिजिक्स का पेपर माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स लेके आए, जो कि आपके अभी 3 दिन हो रहे हैं। 11 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों। तो एक्सप्लेन करते हैं, पहला क्वेश्चन कंसेप्ट ऑफ वॉल करंट, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ वॉल करंट इसके द डिफरेंट व्यू ऑफ फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ TE10 मोड के लिए हमको इन ए रेक्टेंगुलर वेव गाइड। अगला हम बात करते हैं, हाउ कैन वी एक्साइटेड TE10 मोड इन ए रेक्टेंगुलर वेव गाइड। ये अपने को फील्ड लाइन्स के बारे में बताना है और बॉल करंट, कंसेप्ट ऑफ बॉल करंट पढ़ के जाना है, ठीक है। पहला हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन की हम बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन में सिंपल एक ही बड़ा क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि सॉल्व द मैक्सवेल इक्वेशन टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन एट द एपर्चर सर्कुलर वेव गाइड, ओके। तीसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, व्हाट आर फेराइट्स, फेराइट्स क्या होते हैं। ऑब्टेन द परमेबिलिटी टेंसर फॉर इनफाइनाइट लॉसलेस फेराइट मीडियम के बारे में बताना है। नेक्स्ट डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ जायरेटर और सर्कुलेटर। जायरेटर और सर्कुलेटर को पढ़ के जाए, इन दोनों में से कोई सा भी या दोनों पूछ सकते हैं, ठीक है। नंबर 4 की हम बात करें, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग टू कैविटी इलेक्ट्रॉन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऑब्टेन इट्स नर पर पावर एफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिलेंडर मैग्नेट्रॉन, सिलेंड्रिकल जो मैग्नेट्रॉन है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट्रॉन, इसमें आपको ऑब्टेन हलकट ऑफ नंबर कंडक्शन, ठीक है। डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिलेंड्रिकल मैग्नेट्रॉन, ऑब्टेन हलकट ऑफ कंडीशन देखनी है। उसके बाद चलते हैं नंबर अगला, 5th क्वेश्चन की हम बात करते हैं, राइट नन पे शॉर्ट नोट मोड जंपिंग इन मैग्नेट्रॉन बीम बॉक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी मॉड्यूलेशन एंड नन पे बंचिंग क्या होती है। ये अपने को बताने हैं, 3 ऐसे शॉर्ट में अपने को बताने हैं, ठीक है। व्हाट आर स्पेशियल प्रॉपर्टीज ऑफ हाई फील्ड डोमेन, एक्सप्लेन LSA इन नन पे गन डायोड, ओके। उसके बाद ये रिड डायोड वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए पैरामेट्रिक एम्पलीफायर, जो अपना पैरामेट्रिक एम्पलीफायर होता है अप कन्वर्टर के लिए। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इट्स गेन, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इट्स गेन अंडर आइडियल कंडीशन, ठीक है। उसके बाद 7 क्वेश्चन की हम बात करते हैं, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए डायरेक्शनल कपलर, ये डायरेक्शनल कपलर क्या होता है उसके बारे में बताना है, और इसको जो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्शन कपलर का, वो हमको फाइंड आउट करना है। डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ ए हाइब्रिड टी जंक्शन, या हाइब्रिड टी जंक्शन इसमें टी टाइप की नन पे है जाएगा, इस टाइप की नन पे होती है, ठीक है। ये जंक्शन होता है इस टाइप का, हाइब्रिड टी जंक्शन, उसको बताना है। उसके बाद आप देखते हैं कि सो डैट नन पे लॉस कम्युनिकेशन, ये माइक्रोवेव कम्युनिकेशन से आपका रिलेटेड क्वेश्चन, लॉस कम्युनिकेशन रेंज ये वाली डी बराबर यहाँ पे इतनी किलोमीटर, ए डायरेक्शनल वेव नंबर अंडर एटमोस्फेरिक नंबर कंडीशन इज गिवन बाय डी बराबर 4.12 अंडर रूट ST प्लस रूट में HR किलोमीटर, या इसकी जगह 3.54 ऐसा भी आ सकता है, उसको भी कर ले, ठीक है। उसके बाद आती है पूरा बड़ा है इसका सेटेलाइट, अपने को कम्युनिकेशन वाला पूरा बताना है, ठीक है। यहाँ से इस पे फिर अपने को यहाँ पे बताना है दिस एरिया DR, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब नंबर कंडीशन इंपॉर्टेंस एंड नंबर फ्रिक्वेंसी एलोकेशन फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब कंडीशन बतानी है इंपॉर्टेंस और फ्रिक्वेंसी एलोकेशन की फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद डिस्क्राइब एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए लीनियरली ग्रेडेड PN जंक्शन, ठीक है, लीनियरली ग्रेडेड नंबर PN जंक्शन के लिए। हैंस नंबर हो जाएगा एक्सप्लेन नंबर दिस नंबर डिवाइस यूज बैरेक्टर, इसका बैरेक्टर की तरह यूज कैसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न है इसमें ही, डिस्क्राइब नॉइज फिगर एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द नॉइज फिगर ऑफ ए पैरामेट्रिक अप कन्वर्टर के लिए। आगे लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ड्रा नॉइज सर्किट ऑफ ए नेगेटिव रेजिस्टेंस पैरामेट्रिक एम्पलीफायर ऑब्टेन एक्सप्रेशन नॉइज टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के संग इसका वेरिएशन नॉइज का अपने को कैसे बताना है पैरामेट्रिक एम्पलीफायर के लिए, ठीक है, ये सब अपने को करना है। अब आगे हम चर्चा करते हैं, बढ़िया बात, देखिए
हाँ वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बस एक 30 सेकंड और। एग्ज़ाम में आप क्या करें, एग्ज़ाम में आप 2021 जो ये आपका एग्ज़ाम है इसमें आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आएँ, सभी प्रश्नों को करें, चाहे आप पे नहीं आता हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करें, ठीक है। मैं उन भाइयों के लिए बता रहा हूँ जो कि कम पढ़ते हैं, एग्ज़ाम में कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उस लिए आपको इसका पेपर कभी भी माइक्रोवेव का नंबर आ जाओ टिपिकल आ सकता है, 70% नंबर चांस ऐसा होता है टिपिकल आने के। तो ये जो क्वेश्चन बताएं इनको करके जाएं, ये भी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इतना आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।